मुनीरा, हाँ, यहाँ बावर्ची खाने में हूँ। बात सुनो, हाँ, क्या हुआ? ये तेरी बाजी और कितने दिन यहां पर रहेगी? देख, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं हम पुलिस कचहरी के चक्करों में ना पड़ जाएं। तुम कैसी बातें कर रहे हो फारूक? मुनीरा, हम साहब के पैसों पे पलवा है। ये जो टैक्सी है ना, ये भी उन्हीं की देन है। अगर साहब को पता चल गया कि बाजी को हमने यहां छुपा रखा है, तो याद रखना बाजी के साथ साथ हमारा भी गला दबा देगा। अरे, वो बाजी को मार देंगे अगर हम खामोश रहे जैसे हम पहले थे। हम गरीब लोग हैं, हमें क्या पड़ी है बड़ों के मसले मसाइल में घुस जाएं। और वैसे भी वो कौन सा हमें पूछने आ जाते हैं जो हम उनके मसले हल करें। तुम इतने गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था। मुनीरा, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान। मैं टैक्सी निकालता हूं, बाजी को चल के घर छोड़ के आते हैं। चल हट, जाके अपनी टैक्सी निकाल और अपनी सवारियां ढूंढ। तुम्हें खटखटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। बाजी, इस घर में अभी आप हैं और ये मैं आपके लिए लाई हूँ। इसके अलावा भी किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कराची वापस चले जाऊँ और आयशा से मैं खुद ही किसी ना किसी तरह रब्ता कर लूँगी। बाजी, ये गुर्बत भी किसी किस्म का पर्दा नहीं रहने देती, और इस घर की दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं हैं कि किसी किस्म का राज अपने अंदर छुपा सके। बाजी, अगर आप फारूक की बातों की वजह से जाना चाह रही हैं तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस फारूक से कह के मुझे बेसड्डे तक पहुँचा दो। नहीं बाजी, नहीं। कल हम दोबारा जाएंगे आयशा बीबी के घर, इसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना। नहीं मुनीरा, हमारे पहले मुझ पर बहुत आसान है। वैसे भी ये मेरा और दानियाल का झगड़ा था, फारूक ठीक ही तो था। हम खा तुमने दुश्मनी मोड़ ले लिया। भाजी, आप फारूक की बातों को बिल्कुल अहम अपना दें, बस आप तसल्ली रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक दिन की तो बात है, आप आराम करें। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, आप आराम कीजिए। मेरा जी मैम, बहुत शुक्रिया।